बिहार में इन दिनों गर्मी के साथ सियासी तपिश भी बढ़ रही है। हाल ही में जेल से बाहर आए पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन सियासी रंग में नजर आए। जेल से निकलने के बाद उन्होंने पहली बार किसी सार्वजनिक जनसभा को संबोधित किया और विपक्ष पर निशाना साधते हुए युवा आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में खुद को निर्दोष बताया। कहा कि मुझ पर लगे सभी आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। दरअसल अररिया के फारबिसगंज में सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने कहा कि यह देश किसी की जागीर नहीं है, हर किसी ने इसे अपने खून से सींचा है। मैं कानून और संविधान में विश्वास रखता हूं। उन्होंने कहा कि मैं बिना किसी शिकायत के 15 साल से अधिक की जेल की सजा काट चुका हूं। सरकार का अगर मानना है कि मैं दोषी हूं तो मैं फांसी पर चढ़ने के लिए भी तैयार हूं। सिंह ने कहा कि लवली आनंद ने संसद में चिल्ला चिल्ला कर मेरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी और कहा था कि अगर मेरे पति दोषी हैं तो फांसी दे दीजिए, पर सीबीआई जांच नहीं हुई थी। चिल्ला चिल्ला के सदन में बोलती रही कि सीबीआई की जांच कराओ, अगर दोषी है तो फांसी दो, फांसी की सजा दिए थे, अगर कैदी होते आनंद स्वीकारता फंसे रहते। ये गवारा नहीं होता, बेहतर है कि सूली पर चढ़ा दो, बेहतर है कि गोली चला दो। आना मजबूर करेगा। गौरतलब है जी कृष्णैया 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वे तेलंगाना के रहने वाले साफ सुथरे छवि के अधिकारी थे। 5 दिसंबर 1994 को उग्र भीड़ ने जी कृष्णैया की बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी थी। इसी मामले में आनंद मोहन को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इससे इतर आनंद मोहन की रिहाई को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल एक जमाने में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना कर क्षत्रिय राजनीति का पूरा सिस्टम खड़ा करने वाले आनंद मोहन को आज भी राजपूतों के बीच काफी प्रभावी चेहरा माना जाता है। राजपूत समुदाय बिहार की आबादी का लगभग 5.2% है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से कम 8 सीटों पर राजपूत वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर आनंद मोहन सीधे तौर पर गठबंधन का साथ देते हैं तो लोकसभा चुनाव में नीतीश को फायदा हो सकता है। फिलहाल आनंद मोहन आगामी चुनाव में कितना निर्णायक साबित होते हैं ये तो वक्त ही बताएगा। हालांकि इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।